गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल. आई एम हेयर टू टीच ईवीएस इन ईवीएस क्लास सेकेंड 11 चैप्टर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, है ना. हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स आर द टाइम ऑफ फन. फेस्टिवल्स आपके ऐसे होते हैं जो फन वाले टाइम होते हैं. एक ऐसा समय होता है, मौज मस्ती का समय होता है. वी वियर न्यू क्लोथ्स, मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. हम अपने नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और रिलेटिव से मिलते हैं और गिफ्ट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और मिठाइयाँ बाँटते हैं. आपका है पहला जो है, आपका फेस्टिवल जो है, फर्स्ट वन इज़ योर होली. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. आप सभी को पता है कि जो होली जो है कलर के रंगों का त्यौहार है. पीपल स्प्रिंकल कलर्स ऑन वन अनदर. लोग जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकती हैं. चिल्ड्रन लव टू प्ले विद कलर्स, दे सिंग एंड डांस. बच्चों को अच्छा लगता है कलर्स के साथ खेलना और वो खेलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं. नेक्स्ट है ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमज़ान. आपका ईद कब सेलिब्रेट करते हैं, जब रमज़ान, जितने दिन रमज़ान चलते हैं, रमज़ान के जब एंड टाइम आता है उस टाइम पे हम ईद जो है सेलिब्रेट करते हैं. रमज़ान टाइम पे क्या होता है कि जो लोग हैं, महीने तक का होता है, तो ये उस टाइम मंथली महीने तक ही लोग जो है फास्ट रखते हैं. जो है ये मुस्लिम का त्यौहार है. मुस्लिम गो टू अ मस्जिद टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स. वहाँ जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और सेवैयाँ उनका जो है ईद में बनाया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका दशहरा. नेक्स्ट है आपका दशहरा. दशहरा में क्या होता है, दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल. हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन जो आपके ईविल हैं, जो आपके राक्षस हैं, उसको हम ख़त्म करने के लिए उसे सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज विजयदशमी. इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है. हम क्या करते हैं कि रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली जो है लाइट्स के, तो मतलब लाइट्स उसमें लगाते हैं, दिवाली में बहुत सारे लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, रोशनी रोशनी करते हैं उस दिन. इट इज़ आल्सो नोन एज दीपावली विच मीन्स अ रो ऑफ लाइट्स. इसको हम दीपावली बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि हर जगह लाइट्स को जगमगाना. द हिंदूज वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश ऑन दिस डे. इस दिन हम क्या करते हैं, भगवान गणेश जी और जो आपकी लक्ष्मी माता जी है, उनको क्या करते हैं, उनका पूजा होता है, उनको प्रे करते हैं. पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. उस दिन लोग जो हैं आपस में क्या करते हैं, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स जो हैं एक्सचेंज करते हैं, क्रैकर्स वगैरह फायर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्रिसमस. क्रिसमस में हम क्या करते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, है ना. इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. लॉर्ड जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन उनका जन्म हुआ था. द क्रिश्चियंस डेकोरेट द क्रिसमस ट्री इन देयर हाउसेज. जो क्रिश्चियंस हैं अपने घरों में क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और वो चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए. और ये सभी लोग आजकल दिवाली, क्रिसमस, हर लोग मना रहे हैं, अच्छे से मना रहे हैं त्योहारों को. नेक्स्ट है आपका गुरु पर्व. गुरु पर्व जो है आपका वो सिखों का त्यौहार है, जिसमें क्या करते हैं, सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व एज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव. गुरु नानक देव का जो बर्थडे है उनको सेलिब्रेट करते हैं. गुरुद्वाराज में जाके वहाँ पे डेकोरेट करते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे जाके भंडारे वगैरह करते हैं. ह्यूज पोजेशंस आर टेकन आउट. द रिच एंड पुअर सिट टुगेदर फॉर कॉमन मील कॉल्ड लंगर. वहाँ पे बैठ के
सभी जो अमीर है गरीब है सभी वहाँ पे आके आते हैं, बैठते हैं और लंगर जिसे हम बोलते हैं, जिसे भंडारा जिसे बोलते हैं, लंगर में आके बैठते हैं और खाना खाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आपके कौन कौन से हैं? जो आपके नेशनल फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं, आपके इंडिपेंडेंस डे हो गए, रिपब्लिक डे हो गया। इंडिपेंडेंस डे आपका मनाते हैं कब? 15 अगस्त को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, उस दिन आज़ादी मिली थी हमारे देश को, इसलिए मनाते हैं। उस दिन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, रेड फोर्ट पे जाके जो हमारे देश का जो फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं। ठीक है, रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। द नेशनल एंथम गाते हैं वहाँ पे, सभी इंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाते हैं। 1947 में हमारा जो देश जो है आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले थे और स्टार्ट हुआ था इंडिया का। तो अवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डे, इस दिन हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था, तो ये हमारा गणतंत्र दिवस है। इसमें परेड होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स वगैरह इसमें दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गांधी जयंती। गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं ये। फादर ऑफ नेशन वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। ये हमारे हिज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस, उनका जो प्रिंसिपल था उनका कहना था नॉन वायलेंस से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सभी से प्रेम के साथ रहना, आराम से रहना और सभी के साथ प्यार भावना के साथ ही चलना है। नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, अपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना क्लास। थैंक यू।